Today we are going to solve question number 3.18 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Sedigu. The question is that we have to calculate voltages, means determine the node voltages, मतलब कि हमें हर node के across voltage calculate करना है using nodal analysis. हमें यहाँ पे bind कर दिया गया है कि nodal analysis के through आपने current को calculate, sorry voltages को calculate करना है. KCL का अप्लाई होगा और KCL हम उसी वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें नोट के अक्रॉस या नोट पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है. देखिए हम इसे V1 का नाम दे देते हैं, इसे हम V2 का नाम दे देते हैं और इसे हम V3 का नाम देते हैं. तो देखिए आप अगर हम इस नोट की बात करें तो यहाँ पर हमने पहले भी पिछले लेक्चर से उनमें भी हमने यही एनालाइज किया था कि जब भी दो नॉन रेफरेंस नोट्स के दरमियान आपके पास वोल्टेज सोर्स पाई जाती है तो वो आपके पास सुपर नोट कहलाती है. देखें ये आपके पास, देखें ये आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है ये आपके पास दो नोड्स के दरमियान है. एक ये आपके पास नोड 3 है एंड नोड 1, दो नोड्स के दरमियान है. तो ये आपके पास यहाँ पर एक सुपर नोड बना रही है. जब ये सुपर नोड बना रहा होता है तो वोल्टेज सोर्स, तो वो वोल्टेज सोर्स आपके पास शॉर्ट हो जाती है जब हम KCL का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो चलें आप नोड 1 के अक्रॉस देखें, अगर नोड 1 के पास आपके पास जो करंट एनालाइज करें तो देखें तो क्या क्या आता है. देखें एक करंट आपके पास ये डाउनवर्ड, यानी कि आपके पास नोड 1 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और एक करंट आपके पास, क्योंकि वोल्टेज करंट सोर्स ये यहाँ से इन हो रही है तो उस वजह से हम कहेंगे कि एक करंट आपके पास ये नोड 2 से नोड 1 की तरफ इन हो रहा है और एक करंट आपके पास नोड 2 से नोड 3 की तरफ इन हो रहा है. एंड इसी तरह से आपके पास नोड 3 से आपके पास एक करंट आपके पास ग्राउंड की तरफ जा रहा है. अगर हम नोड 1 की बात करें, नोड 1 को एनालाइज करें, बल्कि सुपर नोड की ही बात करें, तो यहाँ पर देखें एक करंट आपके पास नोड 1 के पास I1 आ रहा है सुपर नोड के अंदर, और इसे हमने I2 का नाम दिया जो कि नोड 1 के अंदर इंटर हो रहा है. एंड इसी तरह हमने इसे I3 का नाम दिया जो कि नोड 2 के अंदर जा रहा है. एंड उसके बाद हमने जो नोड 2 से नोड 3 की तरफ जा रहा है इसे हमने I4 का नाम दिया है. एंड देन हमने इसे I5 का नाम दिया जो कि नोड 3 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है. अगर हम सुपर नोड की बात करें कि करंट की क्या कंडीशन है सुपर नोड पर, एट सुपर नोड की बात करें, सुपर नोड की हम बात करें, तो यहाँ पर देखें एक करंट I1 है जो कि लीव कर रहा है, I1 जो कि लीव कर रहा है. एंड इस तरह से एक करंट आपके पास I5 है जो कि आपके पास लीव कर रहा है. ये हमने दोनों नेगेटिव कंसीडर किए थे, इस वजह से हमारे पास = इस तरफ हमने, यानी कि हमें पता है कि KCL तभी उसकी जो एप्लीकेशन यानी सम ऑफ ऑल जो उसकी डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड लिविंग करंट = 0, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब इंटरिंग और लिविंग करंट आपके पास अपोजिट साइड में हो. तो हमने क्या करा, लिविंग करंट के को हमने = के उस तरफ रखा और हमने इंटरिंग करंट जो कि I1 जो कि आपके पास नोड 1 के अंदर, सॉरी I2 जो कि नोड 1 के अंदर इंटर हो रहा है, एंड इस तरह से आपके पास I4 जो कि आपके पास नोड 3 के अंदर इंटर हो रहा है. तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा, I1 एंड माइनस I2 एंड देन माइनस I4 एंड देन प्लस I5 = 0. तो देखिए अब हमें क्या करना है, I1, I2, I4, I5 की वैल्यूज को डिफाइन करना है कि इसकी वैल्यूज क्या क्या है. देखिए अगर I1 की बात करूं तो यहाँ पर सिंपल 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, 4 ओम पर हम अगर V = IR यानी ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो सिंपल हमारे पास I1 = R आता है V1/4 ओम, ठीक है. एंड उसके बाद अगर हम I5 की बात करें तो आपके पास आता है I5 की अगर हम बात करें तो V3/8 आपके पास आता है 8 ओम. और इसी तरह अगर हम I2 की बात करें जो कि करंट इंटर हो रहा है आपके पास नोड 1 के अंदर, तो यहाँ पर I2 आपके पास आ रहा है V2 - V1 आपके पास 2 ओम. देखें V2 - V1 इसकी वजह यह है कि आपके पास हाई पोटेंशियल क्या है, V2 से आपके पास V1 की तरफ जा रहा है तो हमने I2 की वैल्यू यहाँ रखी है. उसके बाद अगर हम I4 की बात करें तो I4 भी बिल्कुल I2 की तरह होगा जो कि आपके पास V2 - V3 / आपके पास 4 ओम रेजिस्टर आ जाएगी. तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर. इसके हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया हुआ है. सिंपल I1 आपके पास क्या है, V1/4 जो कि आपके पास यहाँ है. एंड देन I2 की बात करूँ तो मैं आपके पास आता है माइनस जो कि फॉर्मूला इसका इक्वेशन का, एंड उसके बाद V2 - V1 / आपके पास 2, एंड देन माइनस जो कि I4, एंड I4 आपके पास क्या है V2 - V3 / आपके पास आ जाता है 4.
एंड उसके बाद अगर फर्दर सॉल्व करें हम, जैसे हम कहते हैं आई फाइव की वैल्यू पुट करें, तो आई फाइव हमने ऑलरेडी निकाला हुआ यहाँ पर वी थ्री अपॉन जो कि प्लस वी थ्री अपॉन एट इजिकल्स टू जीरो हो जाता है। जब हम इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जो कि हमारे पास आती है माइनस टू वी वन माइनस एट वी टू एंड देन माइनस थ्री वी थ्री एंड इजिकल्स टू जीरो, जिसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जब भी सुपर नोड होती है, जब भी सुपर नोड होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो शॉर्ट जो हमने वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दी है, उसके बाद जितने भी आपके पास इंटरनल जितने भी आपके पास मतलब के करंट सोर्स या फिर कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इंटरनली तो आपके पास यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, माइनस प्लस 30 वोल्ट एंड देन उसके बाद आपके पास ये सुपर नोड की बात कर रहा हूँ, सुपर लूप जो बन रहा है नोड की वजह से, जो लूप बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो वी वन आ रहा है, इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये ग्राउंड था तो यहाँ पर नेगेटिव एंड देन यहाँ पर आपके पास V3 है जो कि आपके पास पॉजिटिव होगा और यहाँ पर आपके पास उसका ग्राउंड है नेगेटिव साइन। देखिए अगर हम ये पूरा आपके पास सर्किट जो यहाँ से लेके यहाँ तक था पूरा इंटरनल सर्किट आपके पास ख़त्म हो गया, और जब क्योंकि हमें लूप अप्लाई करना है तो लूप क्या बन रहा है सुपर नोड के पास, लूप सुपर नोड की वजह से एक लूप ये बन रहा है। तो हमारे पास देखें तो यहाँ पर ये सिंपल लूप बन रहा है, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास पॉजिटिव V1 नेगेटिव V1 है क्योंकि करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, नेगेटिव साइन है, एट हमने कहा एट केवीएल एट सुपर नोड नोड लूप। तो यहां पर देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, माइनस वी वन जो कि आपके पास, ये मैंने कहा कि यहां पर आपके पास ग्राउंड से करंट इंटर हो रहा है यहां से ही, तो ऊपर पॉजिटिव है एंड देन उसके बाद माइनस थर्टी माइनस थर्टी क्योंकि माइनस की तरफ से इंटर हो रहा है करंट, पॉजिटिव से लीव कर रहा है एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्लस एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्लस वी थ्री इजिकल्स जीरो। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी जो कि आती है आपके पास माइनस वी वन एंड देन प्लस वी थ्री इजिकल्स टू थर्टी, इसे हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। तो अभी जो हम लूप सॉल्व करें सॉरी नोड सॉल्व करना है जो कि आपके पास नोड थ्री को सॉल्व करना है, तो देखें नोड थ्री के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो फर्दर आगे चलते हैं, नोड थ्री के पास हम देखें तो आपके पास एक तो करंट इन हो रहा है जो कि आपके पास आई फोर है एंड जो करंट लीव हो रहा है आपके पास आई फाइव है एर सॉरी नोड टू के पास सॉरी यहाँ पर नोड टू है, तो आई थ्री एक इंटर हो रहा है और आई टू एंड आई फोर लीव कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं, देखें आई जो आपके पास थ्री है वो इन हो रहा है, मैंने इसको नेगेटिव यानी इजिकल्स टू के उस पार रख लिया है एंड उसके बाद आई टू एंड प्लस आई फोर जो कि आपके पास लीव कर रहे हैं करंट। देखिए आई टू फर्दर इसको मजीद सॉल्व करें तो आई टू माइनस आई थ्री एंड देन प्लस आई फोर इजिकल्स टू जीरो हो जाता है। देखिए आई टू की वैल्यू क्या है, आई टू की वैल्यू देखें यहाँ पर मैं अब इस नोट को सॉल्व कर रहा हूँ, इस नोट पे इस नोट को एनालाइज करूंगा तो आई टू क्या आएगा, आई टू यानी जिस नोट को एनालाइज कर रहे होते हैं जो उसका वोल्टेज आता है वो पहले रख रहे होते हैं जब भी हम वो करंट निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आई टू की वैल्यू क्या बनेगी, आई टू इज इक्वल टू आपके पास आता है वी टू माइनस वी वन अपॉन टू, वी टू माइनस वी वन अपॉन टू एंड देन इसी तरह से आई थ्री की मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है जो कि 15 एम्पेयर जो कि आपके पास यहां से नोड टू के अंदर इंटर हो रहा है। तो यहां पर ये तो 15 आ गया, इसके बाद I4 की बात करूं तो आपके पास आ रहा है, देखें V नोड टू को हम सॉल्व कर रहे हैं तो V2 टू माइनस वी थ्री अपॉन टू, वी टू माइनस वी थ्री अपॉन टू, देन सिंपलीफाई करें इन सिंपल जो डिफाइन किए वैल्यू हमने इनको सिंपल पुट करना है इक्वेशन के अंदर, तो I2 की वैल्यू हमारे पास V2 टू माइनस वी वन अपॉन टू एंड देन माइनस आपके पास आई थ्री जो कि 15 है एंड देन प्लस वी टू माइनस वी थ्री अपॉन टू इजिकल्स टू जीरो। जब इन इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी जो कि आती है माइनस वी वन एंड देन प्लस टू वी टू एंड देन माइनस वी थ्री इजिकल्स टू 30। ये आपके पास इक्वेशन नंबर अगर हम इसको थ्री का नाम दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अभी तक हमने तीन इक्वेशन सॉल्व किए जो कि आपको आपके पास V1, V2 एंड V3 के नाम से हमने मेंशन की हुई है। देखिए अब आपको V1, V2, V3 कैसे मिलेगा, आपने इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वो कैसे होंगी, आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर चूज करें, उसके अंदर आपने मोड का ऑप्शन जाना है, मोड के ऑप्शन में फिफ्थ नंबर पे
जो इक्वेशन से इक्वेशन का ऑप्शन होगा उससे क्लिक करें, उसके बाद आपके पास जो सेकंड टाइप वाली इक्वेशन है उसे सिलेक्ट करें, उसके अंदर आपने वी वन वी टू वी थ्री हर इक्वेशन का अलग अलग यानी एक मैट्रिसेस बना हुआ है उसके अंदर वैल्यूज पुट करें कॉन्स्टेंट के साथ, तो आपके पास सॉल्व होकर कुछ इस तरह आएगा वी वन जो कि इजिकल्स टू आपके पास माइनस 25.384 वोल्ट एंड देन वी टू आपके पास आ जाता है 4.615 वोल्ट एंड जो कि वी थ्री है वो भी सेम 4.615 वोल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल इस सवाल के हवाले से आपके माइंड में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।